हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्लास 12 से है। ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन से, जिसमें स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट में देखेंगे। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है और इवेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। इसमें कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा प्लांट का पार्ट है जिसमें हम लोग दो छो जनरेशन देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पोलिन ग्रेन इनसाइड द एंथर, है ना। पहले तो एंथर हुआ, उसके बाद उसमें पोलिन जर्मिनेट हुआ, तो ये दो जनरेशन हो गया ना। नेक्स्ट ऑप्शन है जर्मिनेशन पोलिन ग्रेन विथ टू मेल गैमेट। तो दो मेल गैमेट में मतलब पोलिन ग्रेन जर्मिनेट होता है, तो ये तो अलग अलग हो गया ना, तो ये तो होगा नहीं। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये तो एक ही हुआ। फिर लास्ट है एम्ब्रायोस एग इनसाइड द ओव्यूल, है ना। पहले तो ओव्यूल हुआ, उसके बाद एम्ब्रायोस एग हुआ, तो ये दो जनरेशन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। ये 2020 में पूछा गया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2020 में आया था। तो इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये वाटर में होता है। तो ये कैसा प्लांट रहता है, मतलब जस्ट पानी से ऊपर रहता है, है ना। इमर्जेंट फ्लावर, इसका फ्लावर जस्ट पानी के ऊपर रहता है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, विंड और इंसेक्ट से। वाटर करंट ओनली, ये तो गलत है। विंड एंड वाटर, तो ये भी गलत है, वाटर में तो होता नहीं है, पानी के अंदर रहता तो हो सकता था। इंसेक्ट एंड वाटर, तो ये वाटर तो होगा नहीं, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इम्ब्रायोसेक इन एंजियोस्पर्म। मतलब कॉमन टाइप ऑफ इम्ब्रायोसेक एंजियोस्पर्म में कौन सा है, तो मतलब कौन कौन सा होता है। पहले तो मोनोस्पोरिक आएगा, फिर डायस्पोरिक, ट्रायस्पोरिक, उसके बाद फिर आएगा टेट्रास्पोरिक। तो कॉमन, तो इसमें कहने का मतलब कॉमन सबसे नीचे जो है वो कॉमन हो जाएगा, उसके बाद ही ना 1 2 3 4 आएगा, 4 3 2 1 तो होगा नहीं। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। टेट्रास्पोरिक विथ माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन, तो ये टेट्रास्पोरिक तो होगा नहीं। मोनोस्पोरिक विथ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, तो ये सही है। मोनोस्पोरिक विथ 2 सिक्वेंशियल डिवीजन, ये गलत है। बायस्पोरिक विथ 2 सिक्वेंशियल डिवीजन, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोस्पोरिक विथ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, है ना। मतलब मोनोस्पोरिक में 3 एक्स्ट्रा डिवीजन है, तभी तो ये बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2019 में उड़ीसा वाला में आया था, है ना। तो देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिशनेरिया, है ना। तो ये वाटर प्लांट है वेलिशनेरिया। तो वेलिशनेरिया में कैसे पोलिनेशन होता है, जो फीमेल फ्लावर रहता है वो पानी से ऊपर आ जाता है। कैसे, माने उसका स्टॉक बड़ा रहता है तो वो ऊपर आ जाता है पानी के सरफेस पे, और मेल फ्लावर जिसको हम लोग बोलते हैं पोलिन ग्रेन, वो कहाँ रिलीज हो जाता है, वाटर सरफेस पे, है ना। और वो दोनों पानी में तैरता हुआ एक साथ, वाटर करंट माने पानी के साथ तैरता हुआ एक साथ मिल जाता है, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर पोलिनेशन। और एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि पैसिवली करंट वाटर, दे कैरिड आउट थ्रू पैसिवली करंट वाटर, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पोलिनेशन अकर इन सबमर्ज कंडीशन बाय वाटर, मतलब पानी के अंदर रहेगा तो ये तो पोलिनेशन होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। फ्लावर इमर्ज
अबव द सरफेस ऑफ वाटर पॉलिनेशन कैरिड बाय इंसेक्ट से तो होगा नहीं. फ्लावर इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पोलन इज कैरिड बाय विंड, तो विंड से तो होगा नहीं. मेल फ्लावर आर कैरिड बाय द वाटर करेंट टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये सही लग रहा है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी. लिसनेरिया के साथ और भी एक एग्जांपल, हाइड्रिला जो पानी में रहता है, और सी ग्रासेस जिसको हम लोग जोस्टेरा बोलते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं, है ना. तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक लाइन से दो तीन क्वेश्चन बन सकता है. ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी आर प्रिवेंटेड. कास्टर और मेज क्या हो जाएगा, मोनोसियस. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी. मोनोसियस इसको याद करने का तरीका है, मोनोसियस मतलब एक ही, मोनो मतलब एक, तो एक ही प्रिवेंट होगा, ऑटोगेमी सिर्फ प्रिवेंट होगा, जिटनोगेमी तो होगा नहीं, है ना. तो कास्टर मेज तो होगा नहीं और वीट होगा नहीं, तो पपाया है डाइसियस. डाइसियस मतलब दो, है ना, डाई का मतलब दो, तो दोनों प्रिवेंटेड हो जाएगा. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पपाया. एनसी आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ, ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है जो 2018 में आया हो, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना. तो कौन से टेम्परेचर पे हम लोग रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस. बाकी जो ऑप्शन है 120 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री, 160, ये तो होगा नहीं है. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, क्योंकि पोलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है, स्पोरोपोलेनिन, है ना. तो स्पोरोपोलेनिन को हम लोग फॉसिल के तरह रिजर्व कर सकते हैं. आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉस्यूल. अभी हम लोग अभी तुरंत देखें कौन सा ऐसा चीज है जो पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करने में मदद करता है एज ए फॉसिल. तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन, जो 2018 में पूछा गया. देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, है ना. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन. विंग्ड कहने का मतलब है पंख, पंख किस में लगा हुआ है. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाइनस, है ना. पाइनस का पोलन ग्रेन कैसा रहता है, उसका पंख लगा हुआ रहता है, तो उसको हवा में उड़ने में मदद करता है, ठीक है, पंख जैसा स्ट्रक्चर रहता है. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाइनस, है ना. और साइकस, मैंगो, ये सब में, है ना, मस्टर्ड में विंग्ड पोलन ग्रेन नहीं रहता, मतलब पंख वाला पोलन ग्रेन नहीं रहता. तो इसका आंसर हो जाएगा पाइनस डी, 2018 में पूछा गया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन. मतलब फंक्शनल मेगास्पोर जो एंजियोस्पर्म रहती है, ये किस में डेवलप हो जाता है. तो एनसीईआरटी में तो ये तो साफ साफ लिखा हुआ, एम्ब्रायोसैक में डेवलप हो जाता है. एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ, द फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, है ना. इट इनलार्ज एंड अंडरगोस 3 न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रायोसैक. तो इसका आंसर हो जाएगा एम्ब्रायोसैक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको अच्छे से कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर. मतलब एक ऐसा चीज जो अट्रैक्ट भी करता है और वो रिवॉर्ड भी देता है. तो ये फिग प्लांट में होता है, जो बी जाता है, हनी बी बोल सकते हैं, जो नेक्टर चुराने जाता है. मतलब नेक्टर खाने का मतलब है वहाँ से रस उसको मिलता है. तो ये इंसेक्ट पोलिनेशन को बोल में ऐसा होता है. तो इंटेमोफिली बोलते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन को, हाइड्रोफिली बोलते हैं वाटर पोलिनेशन को, एनिमोफिली बोलते हैं विंड पोलिनेशन को. ऐसा फ्लावर है वो जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, अपनी ओर आकर्षित करता है. आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इन टू इनफ्लोरेंसेस एज यूजुअल पोलिनेटेड बाय. मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिंगल ओव्यूल रहता है उसका ओवरी में, है ना, और इनफ्लोरेंसेस पैक्ड रहता है. तो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि इसमें विंड पोलिनेशन में ऐसा होता है ना, सिंगल ओव्यूल रहता है ओवरी में. तो इसका आंसर हो जाएगा विंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डाइसियस प्लांट दैट प्रिवेंट बोथ. तो अभी हम तुरंत बताएं डाइसियस मतलब
प्लांट में क्या प्रिवेंट होगा पोलिनेशन में, तो इसका एक मैंने समझने का तरीका है। डायसियस बोला तो दोनों प्रिवेंट हो जाए, बहुत ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी एनसीईआरटी में साफ साफ लिख, मोनोसियस रहता तो एक रहता ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी एनसीईआरटी में अच्छा से लिखा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एग हैज फिलिफॉर्म एपरेटस, ये गलत है। दे आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, न्यूमरस बहुत ज़्यादा एंटीपोडल सेल नहीं रहता है। रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल, तो ये सही है ना, रिडक्शन डिवीजन होता है मेगास्पोर मदर सेल में। ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रायो सैक, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चैप्टर से एनसीईआरटी से ही उठा के पूछा जाता है बार बार, कहीं इधर उधर भटकने का, तो इसीलिए बोला जाता है बायोलॉजी में एनसीईआरटी को आप अच्छे से बार बार रिपीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट बाय द एजेंट ऑफ, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे ये किससे होता है, इंसेक्ट और विंड से, है ना। जैसे लोटस हो जाएगा, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ जिसको एक कॉर्निया हम लोग बोलते हैं ना, सो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है ना, तो इसको अच्छे से देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन तो एकदम अच्छे से रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, तो इस माने जो ओव्यूल रहता है ये किसके बराबरी रहता है, मतलब इक्वल लगभग उसी के जैसा, इक्विवेलेंट का मतलब लगभग उसी के जैसा। तो ऑप्शन देखते हैं मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर। तो ओव्यूल किसके जैसा रहता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेगा स्पोरेंजियम, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा सही नहीं है, तो पहले अंडरलाइन करेंगे अपना, पहले कंफ्यूजन दूर करेंगे, नॉट ट्रू के जगह में पता चलेगा कि सही कौन है, वही मार के हम लोग निकल जाएंगे। सो इसका ऑप्शन देखते हैं पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेसिस कॉजेस सेवियर एलर्जी, तो ये सही है। स्टोर्ड पोलन ग्रेन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो ये भी सही है। टेपेटम हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ एंथर, नहीं डाइसेंस नहीं, टेपेटम का काम रहता है उसको बढ़ने में मदद करता है न्यूरोसिस डेवलपिंग पोलन ग्रेन में, है ना, तो ये गलत है। डिजाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोर ऑफ पोलन, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था नीट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हम लोग नॉट करेक्ट बोला है ना, नॉट करेक्ट मतलब गलत कौन है, तो पहले इसको अंडरलाइन करते हैं। पहला चॉइस है पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्रू ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद द पिस्टिल, तो ये सही है, है ना। सम रेप्टाइल आल्सो रिपोर्टेड एज अ पोलिनेटर इन सम प्लांट स्पेसिस, ये भी सही है, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है एकदम। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेसिस कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यू ऑफ सेम स्पेसिस ग्रो इन द स्टाइल, तो ये गलत है, एक ट्यूब नहीं होता है। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलन नेक्टर रॉबर, तो ये सही है, ये फिग प्लांट और वी में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में क्या होता है, बहुत सारा इवेंट मतलब एक साथ होता है ना, कब होता है जब पोलन बहुत सारा पोलन डिपोजिट हो जाता है कि जब तक पोलन के एंट्री ना हो जाए पोलन में, है ना, ओव्यूल में, इसीलिए एक पोलन नहीं होगा, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन इज अटैच टू द, तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, अटैच टू द क्या हो जाएगा, थैलमस और पेटल बोलेंगे, प्लासेंटा एंथर कनेक्टिव तो होगा नहीं, ये तो कनेक्टिव बहुत डिफरेंस ही है, तो थैलमस और पेटल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो 2016 नीट 1 में पूछा गया था। फिलिफॉर्म एपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिलिफॉर्म एपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, तो फिलिफॉर्म एपरेटस कैसा रहता है, फिंगर लाइक रहता है प्रोजेक्शन, है ना, और फिर साइटोप्लाज्म में ये कहाँ प्रेजेंट रहता है,
सिनर्गिड में, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्प सेल, इम्ब्रायोसेक में। फिर इसका क्या काम रहता है, फिलिपम गाइड द पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल टुवर्ड द इम्ब्रायोसेक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गाइड द सिनर्गिड ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व मियोसिस, अकर इन ओव्यूल, अकर इन एंथर, फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन, ये 2015 में पूछा गया था। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेन कहने का फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, है ना, तो ये कैसे होता है, बाय मियोटिक डिवीजन, है ना, तो मियोसिस हो जाएगा, जिसमें एप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। डिवीजन होकर क्या बनता है, डेप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, और मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ये भी मियोटिक डिवीजन से होता है। इसमें क्या बनता है, डेप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस टेक प्लेस इन ओव्यूल और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक प्लेस इन एंथर। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, मेल गैमेटोफाइट जो एंजियोस्पर्म में रहता है क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल स्पर्म और टू जनरेटिव सेल, थ्री स्पर्म, टू स्पर्म ए वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म ए वेजिटेटिव सेल। प्रोटोप्लास्ट में जो मेल गैमेटोफाइट रहता है ये डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली, है ना, ये प्रोड्यूस करता है टू अनइक्वल सेल, एक स्मॉल रहता है जनरेटिव सेल और लार्ज वेजिटेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल ये डिवाइड हो जाता है टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट में, ठीक है, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस टू स्पर्म ए वेजिटेटिव सेल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिपोर्ट ऑफ एनिमल पोलिनेटर। तो अभी हम लोग पढ़े एनिमल पोलिनेटर के लिए क्या फ्लोरल रिपोर्ट, नेक्टर और पोलन ग्रेन रहता है, है ना, तो देखते हैं उसका फ्लोरल फ्रेग्रेंस और केमिकल क्रिस्टल, ये तो होगा नहीं, प्रोटीन पिस्टिल स्टिग्माटेड एक्सुडेट्स ये भी नहीं होगा, कलर लार्ज साइज ऑफ फ्लावर ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, आंसर डी 2015 में पूछा गया, जो कैंसिल हुआ था एग्जाम 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर्ड पोलिनेटर बट इट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, मतलब कौन सा ऐसा पोलिनेशन है जिसमें पोलिनेटर का रिक्वायर्ड होता है, जरूरत पड़ता है, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर होता है, किसका, ऑटोगेमी का। तो ये तो जिटनोगेमी में होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिसमें क्या होता है, जिटनोगेमी में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ एंथर ऑफ सेम प्लांट, जिसमें ये मेज में होता है, पोलिनेटिंग एजेंट भी अति प्रेजेंट रहता है, तो ये जेनेटिकली सिमिलर है, किसका, ऑटोगेमी का, है ना, तो इसमें सेम जीनोटाइप होता है प्लांट का, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, पहले तो इसको अंडरलाइन करते हैं, नॉट ट्रू का मतलब, ऑप्शन है द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम, जो फ्लावर फ्लाई और बैट से पोलिनेट होता है वो फ्लावर क्या फॉल ऑर्डर, मतलब इसमें निकलता है वो फ्लावर से टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, है ना, हनी इज मेड बाय बी बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर, तो ये गलत है, है ना, हनी पोलन से नहीं बनता है, हनी बनने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीकर्गिटेशन ट्रांसफॉर्म सेक्राइड। हनी भी क्या करता है, जो सेक्राइड जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, किसमें, हनी भी, मतलब कार्बोहाइड्रेट को हनी में कन्वर्ट कर देता है, कैसे, बाय रीकार्गिटेशन, मतलब बहुत बार ये प्रोसेस होता है तब जाके ये हनी बनता है, सो डाइजेस्टिंग से नहीं होगा, तो इसका आंसर बी ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, बहुत सही है एकदम, दे आर यूज्ड इन पोलन टैबलेट सिरप में यूज होता है, सही है, एनसीईआरटी में दिए हुए। पोलन ग्रेन सेम प्लांट कॉजेस सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफिजेशन, अस्थमा हो जाता है, तो ये सही है, 2015 में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीलम इज स्कार ऑन द, ये एनसीईआरटी का लाइन साफ साफ दिया हुआ है, मतलब किस पे रहता है हीलम, सीड पे रहता है ना, कहाँ पे, जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच होता है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं,
फ्रूट वेयर स्टाइल वाइज प्रेजेंट ये गलत है, सीड वेयर माइक्रोफाइल पाइल वाइज प्रेजेंट ये भी गलत है, सीड वेयर फिनिकल आर अटैच्ड तो ये सही है, फ्रूट वेयर इट वाज अटैच्ड टू द पेडिकल तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन टिश्यू इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ट्रांसमिशन टिश्यू किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये स्टाइल का है ना, तो स्टाइल दो तरीका का होता है, तो एक सॉलिड स्टाइल होता है एक होलो स्टाइल होता है। होलो स्टाइल में क्या रहता है, ग्लैंडुलर सेल का बना रहता है जिसमें क्या रहता है मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। सॉलिड स्टाइल में क्या रहता है एक कोर ट्रांसमिटिंग टिश्यू रहता है ना, ये थिन वॉल्ड सेल का बना हुआ रहता है थ्रू विच पोलन ट्यूब मूव उसी के थ्रू मूव करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी है ना, वेट स्टीमा ड्राई स्टीमा होलो स्टाइल नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीटनोगेमी इन्वॉल्व्स, जीटनोगेमी किस में इन्वॉल्व रहता है, तो जीटनोगेमी में क्या होता है पोलिनेशन होता है टेक प्लेस बिटवीन द टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, तो जेनेटिकली इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है ना, और इसमें एजेंसी मतलब एजेंट भी रहता है पोलिनेटर का भी रोल रहता है ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द फ्लावर फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो ये सही है फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, तो ये गलत है फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन, तो ये गलत है फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू द डिस्टेंट पोलिनेशन डिस्टेंट पॉपुलेशन, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये साफ साफ लिखा हुआ है ये हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन टैबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, तो पोलन टैबलेट किस लिए ये मार्केट में मौजूद रहता है, ये फूड सप्लीमेंट के लिए है ना, ये टैबलेट सिरप के तौर पे यूज हो जाता है ना, फूड सप्लीमेंट तो वही कहला है ना, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज करता कौन एथलीट और हॉर्स राइडर सब, तो इसका आंसर हो जाएगा फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट वर्ड जो है ये अच्छे से याद कर लीजिए। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम एक्सीतु कंजर्वेशन ये तो होगा नहीं, ये 2014 में पूछा गया था ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फिलिप फंक्शन ऑफ फिलिपोम ऑपरेटर्स, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इसका क्या काम रहता है गाइड द पोलन ट्यूब, ऑप्शन है रिकॉग्नाइज द सुटेबल पोलन एट द स्टिग्मा, ये गलत है स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल ये गलत है प्रोड्यूस नेक्टर ये भी गलत है गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब ये सही है 2014 में पूछा गया था इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी प्रोसेस में पोलिनेटर का जरूरत नहीं होता है ना, फर्टिलाइजेशन इसमें फ्लावर ओपन होने से पहले फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इसमें क्या होता है एंथर और स्टिग्मा एक मतलब क्लोज टुगेदर रहता है माने एक ही जगह पे रहता है, एंथर जब फटता है तो पोलन ग्रेन कॉन्टेक्ट किस में कॉन्टेक्ट पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टेक्ट विथ स्टिग्मा और पोलिनेशन हो जाता है। सो ऑप्शन देखते हैं नो डिपेंडेंस ऑफ पोलिनेटर तो ये सही है, पीबी पोरी गलत है, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी ये गलत है, मोर वैग्रस ऑफ्रिंग ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, तो इससे पहले भी एक इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन किए थे एंजियोस्पर्मी इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरेंजियम है ना, सो मेगा स्पोरेंजियम इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, तो न्यूसेलस माय एम्ब्रायोसेक फ्रूट ये होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पहले आंसर करते हैं करेक्ट पता चलेगा कि नॉट करेक्ट हम आंसर कर दी। सो फर्स्ट चॉइस है इंडोथेसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर ये गलत है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है, टेपेटम न्यूरिसेस द डेवलपिंग पोलन ट्यूब ये सही है ना, हाउ डॉटर लेयर पोलनिज इज इंटाइन नहीं एक्साइन होगा स्पोरोपोलन ट्यूब हैप्लोइड गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन इन, मैंने एनिमल वेक्टर किस में जरूरत पड़ता है वेलिस्नेरिया कुकुम्बर मलवरी मेज, तो वेलिस्नेरिया में ये वाटर पोलिनेशन में होता है वेलिस्नेरिया में है ना,
मलबरी और मेज ये तो विंड पोलिनेशन से होता है, और कुकुम्बर तो एनिमल पोलिनेशन में देखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर क्या। तो ये कैसे मदर मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होता है, ये मियोटिक डिवीजन से। ये देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा, पहले भी ये देखे थे हम लोग। सो ऑप्शन देखते हैं, माइटोटिक डिवीजन गलत है, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल ये गलत है, डिफरेंशिएशन गलत है, मियोटिक डिवीजन तो ये सही है। नीट 2013 में पूछा गया था, मियोटिक डिवीजन आंसर हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट है तो पहले इसको टिक करेंगे, है ना। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगेमस, तो ये सही है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर तो ओपन होता ही नहीं है, फ्लावर बंद में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सो ये सही है। जेनोगेमस अकर बाय विंड पोलिनेशन गलत। चेस्मोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन, नहीं चेस्मोगेमस तो ओपन होता ही है। जिग्नोगेमी इल्वोन इन्वॉल्व इन द पोलन एंड स्टिग्मा फ्लावर, डिफरेंट प्लांट नहीं सेम प्लांट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट है तो पहले इसको टिक करते हैं। स्पोरोपोलिनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय द एंजाइम, नहीं इसको कोई एंजाइम नहीं तोड़ सकता है। स्पोरोपोलिनिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, गलत है। स्पोरोपोलिनिन कैन बी दैट इज विद स्टैंड मतलब हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एटिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, है ना। ये हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को झेल सकता है, अल्कली को भी झेल सकता है, तो ये सही है। स्पोरोपोलिनिन कैन बी स्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। 2013 में ये कर्नाटक 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ ऑटोगेमी एंड जिग्नोगेमी कैन बी प्रिवेंटेड। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ना। बोथ बोला मतलब डायसियस क्या, मोनोसियस में तो एक रहा था ऑटोगेमी बट नॉट जिग्नोगेमी, इसमें बोथ बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टर मेज तो हो गया, मोनोसियस पपाया हो जाएगा डायसियस। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन बी द स्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एन एंजाइम, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन, क्यूटिकल लिग्निन सेलुलोज तो होगा नहीं। सो आंसर बी। कॉन्सेप्ट ऐसा समझ लीजिए कि देखते के साथ आंसर एकदम फटाक से दिमाग में आ जाए और टिक मार के निकल जाए। इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, बिना पोलिनेटिंग एजेंट का, है ना, सीड सेट हो जाए। सो ये किस में होता है, तो ये ऑक्सेलिस कोमेलिना ये सब में होता है ना, ये चेस्मोगेमल फ्लावर का एग्जांपल है। सो इसका आंसर हो जाएगा कोमेलिना, साल्विया फिग जोस्टेर तो होगा नहीं। सो आंसर ए। इसी तरह के बायो शॉर्ट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल बायो नंबर शॉर्ट से जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।